कोरोना के उपचार में जिस प्लाज्मा थेरेपी को अब तक कारगर बताया जा रहा है उसे अब भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। जी हां, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने इस पर बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमारे यहाँ से जितने भी पॉजिटिव मरीज संक्रमण मुक्त होकर गए हैं उनके 28 दिन के बाद हम उनका एक और सैंपल लेकर उनकी जांच करवाएंगे। उसमें यदि वो संक्रमण मुक्त पाए जाते हैं तो उनका रक्त लेकर प्लाज्मा को उससे अलग किया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में प्लाज्मा को सेपरेट करने वाली मशीन अवेलेबल है और हमारे शहर में जो पॉजिटिव मरीज हैं वो ठीक हो गए हैं, तो ऐसे पेशेंट भी हमारे यहाँ जो रिकवर्ड हुए हैं जिनका प्लाज्मा लिया जा सकता है वो भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो इंडिकेशन के हिसाब से अगर आवश्यकता हुई कि जैसे कोई पॉजिटिव पेशेंट सीरियस है और कोमॉर्बिड है और वेंटिलेटर पे है और ऐसी कंडीशन में है जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम जो हमारे पुराने पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका वापस सैंपल कराने के बाद, जैसा कि हमने प्लान कर रखा है, हम सब उन लोगों का जिनका 14 डेज सैंपल पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद हमने डिस्चार्ज किया था उनका हम आफ्टर 28 डेज सैंपल कर रहे हैं। कल हम उनका सैंपल कराएंगे और जब उनके नेगेटिव आ जाएंगे तो वो हमारे पास एक एसेट होगी जिनका प्लाज्मा हम आगे बढ़ा।